हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 शिबू एंड शिप की ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, सो ग्रामर का टॉपिक है हैव गॉट एंड हैज़ गॉट। ओके, हैव गॉट एंड हैज़ गॉट होता है, गॉट मींस होता है होना, है ना, और हैव मतलब हमारे पास, जो चीज़ हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, हैव गॉट एंड हैज़ गॉट आर यूज टू टॉक अबाउट, मतलब किसी भी चीज़ को बताने के लिए, हम बात करने के लिए हैव गॉट और हैज़ गॉट का यूज़ करते हैं। हियर इज वेट, देखो हैव गॉट और हैज़ गॉट का यूज़ क्या होता है, यूज़ टू टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करने के लिए। अब वो कौन सी होती है, फोर थिंग्स होती है जिनके लिए हम हैव गॉट और हैज़ गॉट यूज़ करते हैं। ओके, द थिंग्स वी ऑन, है ना, अगर कोई भी थिंग अगर हमारी होगी तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। थिंग्स वी ऑन मतलब वो हमारी है के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। रिलेशंस के लिए होता है हैव का यूज़, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मतलब मेरा बड़ा ब्रदर है, तो रिलेशन के लिए यूज़ होता है। थिंग्स के लिए यूज़ होता है, रिलेशन के लिए होता है, थिंग्स वो जो चीज़ हमारी है, जो थिंग्स हमारी उसके लिए हैव गॉट का यूज़ होता है, रिलेशन के लिए हैव गॉट का यूज़ होता है। फीचर्स एंड एपिसेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ही हैज़ गॉट कर्ली हेयर, वो किसी फीचर्स और एप्रिशियंस होता है किसी दूसरे के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो। इलनेस मतलब बहुत हमको इलनेस, बहुत कभी अच्छा फील नहीं होता है उनके लिए, शी हैज़ गॉट अ फीवर, है ना, सफरिंग फॉर फीवर मतलब उसको बुखार, या जब भी इलनेस हमको कोई चीज़ अच्छी लगती, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती किसी के लिए, तो वो उसके लिए हैव गॉट और हैज़ गॉट का यूज़ होता है। ओके, अब एक टेबल है हमारे पास, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है हैव गॉट हैज़ गॉट दोनों ज़रूरी है, पर ये सोचिए कि एक तो इलनेस के लिए रह जाइए, फीचर्स एंड एपिशियंस वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी इलनेस के लिए हैव गॉट को यूज़ करें। ओके, अब एक टेबल है, हियर इज़ अ टेबल ऑन हाउ टू यूज़ हैव गॉट और हैज़ गॉट विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ हम हैव गॉट और हैज़ गॉट को यूज़ कैसे करेंगे। देखो, जब भी आई यू दे वी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई हैव अ पेन, या यू हैव गॉट अ पेन, दे हैव गॉट अ पेन, वी हैव गॉट अ बाइसिकल, जो भी है उसके बारे में, और ही शी इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, जब भी आई से कोई सेंटेंस, आई यू दे वी, जहाँ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हमेशा हैव गॉट का यूज़ करेंगे, और ही शी इट के साथ हमेशा हैज़ गॉट का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स है ना, ये टेबल हमने बनाई है। अब टेबल में है कि हैव गॉट किसके साथ यूज़ होगा, आई यू दे वी के साथ। ओके, और हैज़ गॉट होगा ही शी इट के साथ, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई हैव गॉट अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। यू हैव गॉट एन एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया। ही हैज़ गॉट कर्ली हेयर, मतलब उसके कर्ली हेयर है। ही के साथ क्या यूज़ करा हमने, ही हैज़ गॉट कर्ली हेयर। शी हैज़ गॉट अ फीवर, तो ही शी के साथ क्या यूज़ करा हमने, हैज़। अब कुछ और एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम, हैव, आई यू दे वी, इनके साथ हमेशा आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके, ही शी इट के साथ हैज़ गॉट, तो फर्स्ट सेंटर आई हैव गॉट अ बैग, मेरे पास एक बैग है। ही हैज़ गॉट अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। वी हैव गॉट टू मार्बल्स ईच, दे के साथ हैव, दे हैव गॉट अ रिबन्स, इट हैज़ गॉट अ बेल, तो हैज़ और हैव यूज़ होता है इन फोर थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एक तो थिंग्स वी ऑन मतलब जो हमारी हो उसके लिए, रिलेशंस के लिए होता है, फीचर्स एंड एप्रिशियंस के लिए होता है, किसी को हम एप्रिशियस करते हैं ना वो होता है, और इलनेस के लिए यूज़ होता है। तो इन फोर थिंग्स के लिए हम हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ करते हैं। आई यू दे वी में हैव गॉट यूज़ करते हैं, ही शी इट के लिए हैज़ गॉट यूज़ करते हैं। ओके, सो